निकल चुके हैं सर्किट 77 के लिए. जैसे पहले बोला कि लास्ट टाइम इट वाज अ शॉर्ट 10 मिनट यू नो ड्राइव फॉर गो कार्टिंग. सो दिस टाइम वी आर गोइंग फॉर मच मोर टाइम. लेट्स सी हाउ इट एंड्स अप. एंड ये बार हमने डिसाइड किया कि अगर कोई पीछे छूट गया तो हम थोड़ा सा स्लो कर देंगे ताकि वो एक्साइटमेंट बना रहे, क्योंकि हमें एक्चुअली एक दूसरे के साथ रेस करना, अकेले नहीं. अकेले रेस करने से कुछ समझ में ही नहीं आता दैट यू नो यू आर जस्ट ड्राइविंग ड्राइविंग ड्राइविंग. और बट एवरी लैप के साथ इम्प्रूवमेंट भी होते रहता है बिकॉज आपको हर एक एंगल हर एक टर्न ज़्यादा समझ में आने लगता है. थ्रॉटल कभी छोड़ना है, ब्रेक कभी करना है, वो सब कुछ बेटर होते रहते हैं एवरी लैप के साथ. सो दिस टाइम महेश एंड आई आर गोइंग टू यू नो ट्राई एंड ड्राइव टुगेदर ताकि हम एक रेसिंग एनवायरनमेंट में भी रहे और वो फन बरकरार रहे. हम लोग मिलते हैं सर्किट 77 पे एंड वी आर वेरी एक्साइटेड. 6:22 इट्स इवनिंग 6:22 PM एंड बस अभी डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स है यहाँ से. ये जगह का नाम क्या? दिस इज रावित. दिस इज रावित एंड वी आर गोइंग टू विच प्लेस? वी आर गोइंग टू खराड़ी बाईपास रोड. खराड़ी बाईपास रोड. सो डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली 31 किलोमीटर. एक घंटा लग सकता है तो मिलते हैं वहाँ पर. इट्स रिकॉर्डिंग नाउ. अल्विन, महेश इज नॉट विजिबल एट ऑल. ओहो ओके. ब्रेक इसका हार्ड है, ब्रेक का बड़ा सब ताकत लगा. सिंपल है एक्सल का ब्रेक. जब आपको जाना है थोड़ा धीरे 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 आपको लग रहा है ज्यादा गाड़ी भाग रहे हैं तो रात आप स्लो जाओ. अपन दबाओ कमिंग. नो नो डोंट जाओ. आपको क्या लग रहा है प्रॉब्लम क्या लग रहा है? वी आर इन आवर गो कार्ट कार. अभी जो टाइम है वो टाइम ऐसा होता है जो आप इंस्ट्रक्टर पर देख रहे हो, जो इंसान जो मेरे एग्जैक्टली आगे खड़ा हुआ है थोड़े डायगनली राइट में, तो वो आके हर एक ड्राइवर जो है, मे बी नॉट अ वेरी एक्सपीरियंस ड्राइवर बट जो नो वॉइस है, जिसको ड्राइविंग का हैबिट नहीं है, फर्स्ट टाइम गो कार्ट चला रहा है, या फिर अगर उनको नहीं पता कि आपने पहले गो कार्ट चला है कि नहीं, तो वो आपके पास आएंगे, सब इंस्ट्रक्शंस देंगे कट टू कट वेरी क्लियर कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है और आप क्या करोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा. वो ये भी बताते हैं कि कौन सा फ्लैग अगर वेव होगा तो क्या एक्शन लेना है. फॉर एग्जांपल अगर येलो फ्लैग वेव होगा दैट मींस कहीं तो कुछ एक्सीडेंट हुआ है या किसी ने जाके वॉल में बम्प कर दिया है अपना कार, कोई ट्रैक के बीच में रुका हुआ है, तो ये सारा जो चीज़ है वो आपको बता देंगे. और रिमेंबर दैट बिकॉज वो आपको पूरे रेस में काम आएगा. येलो फ्लैग दिख जाएगा तो आपको पता चल जाएगा दैट यू नो कहीं तो जाके कार अटका हुआ है किसी का. रेड फ्लैग दिखाई देगा दैट मींस रेस स्टॉप हो गया है. चेकर्ड फ्लैग दिखाई देगा दैट मींस आपका लास्ट लैप है. तो ये सारा जो है आपको बहुत बहुत मदद करेगा आपके पूरे रेस में. As exciting as it looks, the track gives you more excitement because as soon as you start driving, there is a straight line speed that you get. Even the left that you take is at a very high speed. The first sharp turn itself makes it more exciting because it's very sharp and some drivers who do not have any experience, they just go into the tires. Now comes the most bumpy and the fastest part of the track. It keeps you excited but it's very very scary. There is one part of the track that made Mahesh and me very slow because we were losing almost all the power in the engine only at that place. We experienced all kind of drifting and skidding only at this point that I'm going to show you in the next lap.
During our first encounter on this track, that was few months back, we got good cars and the skidding and the screeching was almost nil. But this time, the cars didn't perform well, maybe because of the tires, the environment was so cool, the track wasn't heated up and hence we were not performing to the optimum. But we saw other cars perform well, better than us. And this is the corner that did not help us overtake few people on the track, but that's okay, it was fun. But we understood that sometimes these things can go wrong and make you perform or make you underperform. Keep watching every move that Mahesh is making, the efforts that he's putting at each corner. Look at the angles that he's taking. Whenever you go for go-karting, just follow this video. It's going to help you a lot and will make you proud. And definitely, if you're trying to impress someone, this is the video for you. Go.
looking at the same time. So whenever you try to get off the cart, this is the engine over here. Make sure that you don't touch it or you will end up being a tandoori. And that was fun. That was fun. For sure. So hello people, so we are here at Circuit 77. As I said, me and Alvin are going to enjoy our ride today. It took nearly an hour for us to reach over here because of the traffic, evening traffic. But we are looking forward to have a great race, and we are going to slow down if any one of us like is left behind or something like that. I'm almost ready. They gave us this for
safety, so that if you know, if there is sweat, then it sticks on this, not on the helmet. So we are almost ready and good to go. Wish us luck. Godspeed. This is the track.